ध्यान दिया होता तो हमारे ऐसा व्यक्ति, मुझे लगता है अब तो खड़े होकर हमने काम कराया है, जहाँ जहाँ काम कराया है यहाँ, तो काफ़ी और प्रगति हुई आती है। लेकिन मैं भी आज नरेनापुर की हैसियत ये है कि हम चलने लायक हो गए हैं, अपनी हैसियत के लिए लड़ने लायक हो गए हैं, सब लोग मिल के जो परिवार नरेनापुर का है, ये जो हमारे जीते हुए कैंडिडेट लोग हैं, ये अपनी सोच को थोड़ा बदलें और बदलने के बाद नरेनापुर को आगे ले जाएं, ये सबसे अनुरोध है मेरा। और क्योंकि मैं इधर 2.5 महीने से बाहर था, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, सोची मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, मैंने लक्ष्मीकांत से कहा कि भैया बहुत ये अवस्था है मेरे शरीर की हो गई, क्योंकि मैंने मेहनत की है आपके साथ। लेकिन अगर आप सबका प्यार रहा और मेरी ज़िंदगी रही तो नरेनापुर अब ऐसा नहीं रहेगा जो कल लोग समझते थे। हमारे बच्चे अब रुझान होना चाहिए कि अब शिक्षा की तरफ। सबसे बड़ा जो नुकसान हमारे नरेनापुर को हुआ है वो एजुकेशन का हुआ है, शिक्षा का हुआ है। कोरोना की वजह से हम 4 साल पीछे हो गए, लेकिन यही ज़िंदगी है, ईश्वर ने यही बताया है कि जो समय आए उसे लड़ना सीखो, तो हम लड़ेंगे और कामयाब होंगे। तो मुझे आप सबसे अनुरोध है कि अब जो काम हो गया है और जो काम अब होने वाला है उसके लिए आप सब मिल के नरेंद्र को आगे ले जाएंगे। गली है ना, बहुत कमियां हैं अभी, अभी तो हम 30% विकास में आगे आए, भी 70% काम हो रहा है। तो ये सभी संभव है जब आप सब एक होके रहिए और लड़ना सीखिए। जैसे इलेक्ट्रिक का काम था, पोल आना था, मैंने बड़ी लड़ाई की थी, उन्होंने कहा था बस 15 दिन के अंदर हम भेज देंगे, अब 2.5 महीने में नहीं रहा तो नहीं आ पाया। मैं होता तो क्योंकि आप समझ नहीं पाते हैं, इसको मैं दिन भर 100 बार फोन करता हूँ तब जाके कोई काम बनता है। लड़ना सीखिए, आप भी लड़िए, हमसे लड़िए, कोई दिक्कत नहीं, आप भी लड़ेंगे और जनता भी लड़ेंगे। अब चूंकि खड़े होने की मेरी हैसियत नहीं है इस समय जो है, तो आज ठीक नहीं है। मैं आप सबको फिर से शुभकामना देना चाहता हूँ और आगे के कार्यकाल वो भी सफल हो। अब चूंकि लास्ट हमारा बजट भी है और आप सब मेहनत कीजिए, जनता को नाखुश है तो उनको मनाइए, खुश कीजिए, अपनी चीज़ें समझाइए कि क्या है। बाकी नए बजट में अच्छी चीज़ें लाने वाले हैं, वो 10 गते हम बताएंगे आपको। ये कहते हैं अब ये प्रोग्राम समापन करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।